और ये जो इसका प्रोसेसर है आप देख सकते हैं, AMD का राइजन 5 है। तो ये इससे पहले आप देखते थे कि इंटेल i5 प्रोसेसर चलता था, और ये AMD राइजन 5 जो है ये नया प्रोसेसर है। तो इसकी जो मेन, इसमें अगर कुछ बोला जाए कि नया है, कुछ अलग है, तो ये पहली बात तो ये है। और सबसे बेटर तो इसका जो स्क्रीन है वो बहुत अच्छा लुक दे रहा है। और सबसे पहले मतलब ज़्यादा तो मुझे इसका कलर पसंद आया है, तो कलर ने तो मेरा दिल जीत लिया है। तो अब अपन इसको करने वाले हैं ऑन। तो अपन इसको ऑन करें, उससे पहले आप कमेंट करके फटाफट बताइए कि आपको ये लैपटॉप कैसा लगा, इसका कलर कैसा लगा, और जो इसका प्रोसेसर है अगर इसके बारे में आपको आइडिया है कि ये जो Ryzen 5 प्रोसेसर है जो अभी अभी नया आया है, तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप बताइए कि आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसा है ये प्रोसेसर। तो अपन इसको अभी ऑन करेंगे और पूरा देखेंगे कि कैसा इसका डिस्प्ले है और स्पीड स्पीड कैसी है, प्रोसेसर कैसा प्रोसेस कर रहा है। तो फटाफट आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये लैपटॉप। और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, या फिर आप सोच रहे थे कि मैं पहले देखूंगा कि या फिर देखूंगी कि क्या है उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, तो अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको मैंने एक नया नया फ़ोन लॉन्च हुआ है तो मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी और उसको भी दिखाऊँगी। तो इसको अपन करते हैं ऑन, तब तक आप करिए कमेंट। मिलते हैं लैपटॉप ऑन होने के बाद। ये हो चुका है वाईफाई कनेक्ट। अब आगे देखते हैं कौन सी विंडो आती है। इसका कीबोर्ड एरिया जो है ना, बहुत स्पेस है, बहुत अच्छा है। इसमें फुल हैंड कीबोर्ड है, इसमें देखिए आप, आपको कीबोर्ड वाली पूरी फीलिंग आने वाली है, ऐसा फील नहीं होने वाला है कि ये लैपटॉप है। तो अभी ये ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है और मैं हो रही हूँ ड्यूटी के लिए लेट। तो अभी अपन इतनी प्रोसेस तक देख चुके हैं और ऑल ऑफ ओवर ये मुझे अच्छा लगा है। और आप भी बताइएगा कि कैसा है। अभी इसमें बैटरी भी चार्ज नहीं है, तो मैं इसको चार्ज करने के लिए लगा के और मैं जा रही हूँ ड्यूटी। फिर अपन पार्ट 2 में देख लेंगे कि इसको मैंने कैसे ओपन किया, और पूरी सेटिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका प्रोसेसर कैसा है और डिस्प्ले कैसा है। ये सब चीज़ें मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। थैंक यू वेरी मच।